जो महामहिम राष्ट्रपति बनी है तो हम लोग तो सब इनका सपोर्ट करवे किए, तो कोई दिक्कत है? और इनसे हमारा पुराना रिश्ता, आप भी आइए, हम तो आपका इज्जत करते हैं, स्वागत करते हैं। केंद्र सरकार आपको बनाता है, उससे हमको क्या मतलब? मेरा बतवा मानिएगा ना, मानिएगा ना। चलिए तो राज्यपाल महोदय को भी कहेंगे कि जो कृषि रोड मैप का जो काम होता रहे, तो आपसे भी आग्रह करेंगे कि जगह जगह जा करके आप भी कृषि रोड मैप वाला काम ठीक हो रहा है कि नहीं, आप भी जा करके महामहिम राज्यपाल महोदय देखिएगा। और आज जो है चतुर्थ कृषि रोड मैप की शुरुआत हो रही है, और सबसे पहले मैं महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं, और इनसे हमने अनुरोध किया, उन्होंने उसे स्वीकार किया और यहां आज उपस्थित हुई, तो ये बड़ी खुशी की बात है। और ये बहुत खुशी है कि प्रथम राष्ट्रपति की भूमि पर, ये भूमि किसकी है, आप राष्ट्रपति के रूप में आई हैं, तो इस देश के जो प्रथम राष्ट्रपति हैं उनकी ये भूमि है और उसी भूमि पर आप आई, तो बड़ी खुशी की बात है। आप चतुर्थ कृषि रोड मैप का लॉन्च करने के लिए आई हैं, हम सभी बिहार वासियों के लिए सौभाग्य की बात है कि पूर्व में द्वितीय कृषि रोड मैप का जो लॉन्चिंग किया गया उसके लिए भी हम लोगों ने तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति जी को आमंत्रित किया, श्रद्धेय प्रणब मुखर्जी जी वे आए, और फिर तृतीय कृषि रोड मैप के लिए भी हमने उस समय के तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद साहब को आमंत्रित किया, वे सब पधारे थे, तो आपको भी आपको पधारने का मौका मिला, आज बड़ी खुशी की बात है। और सबसे पहले हम लोगों ने 2008 में कृषि रोड मैप की शुरुआत की थी, चार साल के लिए 2008 से 12, और उसमें इतना विकास हुआ कि धान गेहूं मक्का आलू ये सब का उत्पादन बढ़ा, उसकी उत्पादकता बढ़ने लगी। तो फिर हम लोगों ने, आप जान लीजिए कि आप अच्छी तरह जानिए, अभी आपको बताया गया कि 2011-12 में एक पटना जिले के नालंदा का एक जो किसान था, आप समझ लीजिए वो इतनी बढ़ी कि धान की उत्पादकता में जो सबसे ज्यादा चीन का, चाइना में जो अति वर्ल्ड रिकॉर्ड था, सबसे हाईएस्ट था दुनिया में, और उससे भी ज्यादा यहां पहली बार वो बढ़ गया, तो इसीलिए 11-12 में उनको पुरस्कृत हुआ। तो पहली बार जब हम लोगों ने कृषि रोड मैप बनाया तो समझ लीजिए कि एक जगह पर कम से कम इतना ज्यादा उत्पादकता हुई कि उसको दुनिया भर में सबसे ज्यादा एक ने इसका उत्पादन किया और उसके लिए उसको पुरस्कृत किया गया, तो इसके लिए ये बड़ी खुशी की बात है। आलू की उत्पादकता भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, तो ये सब हुआ। अब इसीलिए इसके बाद हम लोगों ने 2012-17 में दूसरा कृषि रोड मैप की हम लोगों ने स्थापना की। अब उसी में आप समझ लीजिए कि इतना हुआ, फसलों के साथ साथ फल सब्जी दूध अंडा मछली के उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया गया, ये सब कुछ हुआ। और उसके बाद फिर हम लोगों ने इसको और आगे बढ़ाने के लिए 2017 में हम लोगों ने किया, 2017 से 2022 तक के लिए, और उसको एक साल के लिए बढ़ा दिया गया 23 तक के लिए, तीसरा कृषि रोड मैप। अब ये जो हम तीनों के बाद एनालिसिस किए कि काफी आगे बढ़ रहा लेकिन कुछ चीज में अभी कमी है, तो उसी समय हम लोगों ने कहा कि एक बार और हम चौथा कृषि रोड मैप का शुरुआत करेंगे, और उसके लिए किसानों से लेकर के हर जगह का राय हम लोगों ने लिया, और उसी के आधार पर जो भी चीज काम बचा हुआ है उसका उसको और विस्तृत करने के लिए हम लोगों ने चौथे कृषि रोड मैप की शुरुआत करा दिया। अब वो काम शुरू हो रहा है एक एक चीजें से, तो आप समझ लीजिए कि जितना हुआ है काफी, अब आप जान लीजिए कि दूध अंडा मांस और मछली उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है। अब मछली का उत्पादन जो भी बताया गया आपको 2.5 गुना से भी अधिक हो गया है,
इससे मछली के उत्पादन में बिहार लगभग आत्मनिर्भर हुआ। बाहर से लाता था लोग दूसरे राज्य, अब उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ी, हो गया। और राज्य को चावल, गेहूं, मक्का के उत्पादन एवं उत्पादकता में उल्लेखनीय उपलब्धि से केंद्र सरकार से 5 कृषि कर्पण पुरस्कार मिला है। और फिर जैविक खेती, खास करके सब्जियां जैसे आलू, गोभी, बैंगन, टमाटर का उत्पादन बढ़ा है। और मखाने की खेती को बढ़ावा देने से मखाने के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है। तो इसीलिए आप समझ लीजिए कि तीसरे कृषि रोडमैप के लागू करने से कृषि के हर क्षेत्र में काफी प्रगति हुई, और जो भी थोड़ा बहुत कमी है इसके लिए हम लोगों ने चौथे कृषि रोडमैप की शुरुआत करा दी। और जो आप समझ लीजिए कि हम मंगला राय जी, तई तो शुरू से ही जब हम लोग कृषि रोडमैप की शुरुआत हम लोगों ने की तई तो आए थे। अब तो जब हम केंद्र में इसी विभाग के मंत्री थे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार में, तो वो तो मेरे विभाग में थे, तो उनसे तो मेरा बड़ा अच्छा संबंध था। अब वो तब चीफ हो गए, तब उसके बाद जब डीजी बन गए तो हम यहाँ बुलाए और आए थे। और फिर 2008 से कृषि रोड मैप के लिए हमने सलाह लिया और उस आदमी ने इसके लिए काम करना शुरू किया, सहायता किया, और तब से हम उनको इंगेज किए हुए हैं। एक आध बार बीच बीच में कभी कभी हमारे अधिकारी लोग पिछली बार इधर उधर कर रहे थे, तब फिर हम इनको बुलाए कि आपको इधर उधर नहीं जाना है, आप लोग होइए, कहाँ है जी, खड़ा होइए, हैं? खड़ा होइए, सब देखेंगे, देखिए यही है, इनका भी स्वागत करिए सब लोग, हम इन्हीं को लगाए हुए हैं। और आप जान लीजिए कि इन्हीं को हम लोगों ने पूरी की पूरी जिम्मेवारी दी है, और मुख्यमंत्री के कृषि सलाहकार हैं, इनको इस रूप में अब हम यही कर दिए। अब इन्हीं को देखना है कि इस बार जो चौथा कृषि रोड मैप है ये पूरे तौर पर ये काम पूरा हो जाए, और इनके साथ इस बार कितनी बार मीटिंग हम किए। तो जहां कहीं भी कोई कमी है उस कमी को पूरा करने के लिए तब हम आग्रह करेंगे इनको कि अब आप भाई अब रहिए, आप तो रहने वाले हैं बगले में, नहीं यूपी के हैं, अब बिहार है यूपी में कोई फर्क है, अगले बगल न है। अभी हमारी आदरणीय राष्ट्रपति जी आई हुई हैं, श्रद्धेय द्रौपदी मुर्मू जी, तो इनका भी जो रजवा है तब बिहार है वो तो एक न था, तो इसीलिए तो बड़ी खुशी की बात है कि आज आ गई हैं। तो इसीलिए अब आपसे भी हम कहेंगे कि आप लोग पूरे तौर पर इस काम को पूरा कर लीजिए, और हर तरह से करके और समझ लीजिए। और इसके लिए हम लोगों ने मंत्रिमंडल के द्वारा कि 5 साल में हम सारा काम पूरा करेंगे, और उसके लिए हम लोगों ने 1,62,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान कर दी। अब बाकी जितने 12 विभाग हैं, हम सबसे यही उम्मीद करते हैं, मीटिंग करते रहते हैं कि भाई इस काम को बहुत तेजी से करिए। अब कोई चीज, अब किसानों को जितनी आमदनी हो रही है या कहीं कोई कमी है या कहीं बढ़ भी रहा है तो और चीजों का भी विस्तार करना है, तो ये सब लोगों को बताया जा रहा है। तो इसीलिए सब तरह से इस सब लोगों को कहा गया है, और आप समझ रहे हैं कि हम लोग क्या क्या काम कर रहे हैं। अब खाली कृषि नहीं है, अब पशु के लिए भी तो सब व्यवस्था हम लोग करवा रहे हैं। तो सब आप समझिए कि हर 8-10 पंचायत के अंदर पशु अस्पताल का, ताकि जितने पशुआ हैं किसानों उस सब को किसी तरह की दिक्कत नहीं हो, उसका जांच भी हो, हर तरह से उसकी व्यवस्था की गई है। तो हर तरह से हम लोग कर रहे हैं एक एक काम। तो इसीलिए हम लोगों ने तो पूरे तौर पर अपूर्व में किए गए डेडिकेटेड कृषि फीडर का, कृषि कन्वेंशन के कार्य को और विस्तार किया गया है, ताकि बिजली से सिंचाई का खर्च और काफी कम पड़ता है। तो एक एक तरह का काम हम लोग करवा रहे हैं। तो इसीलिए पूरे तौर पर सब जगह, सभी जगह लोगों की सुविधा के लिए सारा काम कर रहे हैं हम लोग। और जो समझ लीजिए कि हम लोगों ने एक, जो हम लोगों का उत्तर बिहार का हिसाब है
वो चौर क्षेत्र है, वहां खेती नहीं हो पाती, वहां पानी रहता है, 9 महीना तक पानी रहता है, कोई खेती नहीं कर पाता है। तो फिर एक आध जगह हम जाकर के देखे थे, यहीं पर जो है अभी आपके यहां हम लोगों के यहां बैठे हुए हैं वित्त विभाग के विजय कुमार चौधरी, इनके हम इलाके में ही गए थे तो वहां पर देखे कि वो ठीक काम करने लगा। तो हमने कहा कि नहीं भाई, सब जगह काम करवा देना चाहिए, पूरे नॉर्थ बिहार में ये जितना भी जो है चौर क्षेत्र है वहां पर एकदम उसी के लिए हम जगह 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 बहुत अच्छा काम करने लगा। हम कई जगहों पर भी देखे कि वो चौर क्षेत्र जो है उसके एक हिस्सा से वो और ज्यादा नीचे से निकाल लेता, उसको और गड्ढा करता है और दूसरे तरफ उसमें लगा देता है ऊपर। तो इसीलिए अब वो काम जो शुरू किया जा रहा है विकास के लिए, अब 6 जिलों में योजनाएं शुरू हो गई हैं। तो सब जल जमाव रहता है और इसलिए चौर क्षेत्र में विकास के लिए तो हमने बताया आपको कि 6 जिलों में इसकी शुरुआत कर दी है। और एक तरह से चौर क्षेत्र में गहरा करके तालाब लोग बनाते हैं और तालाब से निकली हुई मिट्टी को दूसरे भाग में डालकर भूमि को ऊंचा बना दिया जाता है। तो उसलिए कोई मछली पालन करे, कोई भी काम कर सकता है और लोग कर रहा है। तो बहुत अच्छे ढंग से ये भी काम हो रहा है कि वो जो बचा हुआ था हम लोगों के यहाँ करीब करीब ये पूरे उत्तर बिहार में 9 लाख हेक्टेयर जो चौर क्षेत्र का के चलते वो था। तो आप समझिए कि हम लोगों का जो है कृषि रोड मैप उसके अंतर्गत हम लोगों ने ये सब योजना बनाई है कि हर एक जगह, और अभी तो आप समझ लीजिए कि 6 जिला में शुरुआत हो गई है, अब इस बार तो यही कर देना है कि बाकी जितना जगह पर है यानी 9 लाख हेक्टेयर का जो चौर क्षेत्र है उन सभी जगह उसको ठीक कर दिया जाए ताकि जिनका भी है उनको इसका फायदा हो जाएगा, तो हर किसान की आमदनी बढ़ेगी। तो ये सब काम हम लोग करवा रहे हैं और इस बार का जो हम लोगों की इच्छा है कि हर तरह से पूरे तौर पर करने का पूरा हम लोग पूरा काम करवा रहे हैं। तो इसलिए चतुर्थ कृषि रोड मैप के क्रियान्वयन के बाद आगे किसानों को कृषि रोड मैप की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए इस बार जो हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग चाहते हैं कि बहुत अच्छे ढंग से हो। तो आज जो ये सब काम हो रहा है और बाकी सबको, तो हम लोग तो आदरणीय राष्ट्रपति महोदय महामहिम को बुलाए, राष्ट्रपति जी को अब आई है और उसके पहले हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय हैं, वो बोलेंगे, तब राज्यपाल महोदय तो इधर उधर घूमते ही रहते हैं, तो हम तो राज्यपाल महोदय को भी कहेंगे कि जो कृषि रोड मैप का जो काम होता रहे तो आपसे भी आग्रह करेंगे कि जगह जगह जा करके आप भी कृषि रोड मैप वाला काम ठीक हो रहा है कि नहीं, आप भी जा करके महामहिम राज्यपाल महोदय देखिएगा और कहीं कुछ होगा तो कंसर्न विभाग को भी बता दीजिएगा। अरे मेरा बतवा मानिएगा ना, है मानिएगा ना, चलिए तो आप भी आइए, हम तो आपका इज्जत करते हैं, स्वागत करते हैं। केंद्र सरकार आपको बनाता है उससे हमको क्या मतलब है, हम तो सबका इज्जत करते हैं, आपका इज्जत करते हैं, तो पूरा काम कीजिए, इसमें कोई बात नहीं। आई जो महामहिम राष्ट्रपति बनी है तो हम लोग तो सब इनका सपोर्ट करवे किए, तो कोई दिक्कत है? इनसे हमारा पुराना रिश्ता, श्रद्धेय अटल जी की सरकार में जब थे तो इनसे भी मेरा परिचय है, इनकी कोई भी अपने इलाके की समस्या थी तो हम केंद्र के मंत्री थे, अगर ये कहीं से कुछ आकर के बता देती थी तो हम इनके समस्या का समाधान करते थे। तो इसीलिए अब ये बन गई तो मुझे बड़ी खुशी हुई। तो इसलिए अब आप भी, हम आग्रह करेंगे श्रद्धेय द्रौपदी मुर्मू जी से, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से कि आज तो आप आई हैं और कल भी कार्यक्रम है, परसों भी, जो भी है वो सब तो करिए, लेकिन हम आग्रह करेंगे कि बराबर बिहार आइएगा, बिहार आपसे अलग नहीं है, बिहार भी आपके बगले में है, तो आ जाइएगा, कम से कम 3-4 महीना में एकाध बार आइएगा, हम ये सबको आग्रह करेंगे। तो आज आपको हम बुलाए हैं, बहुत मुझे खुशी है
कि आप यहां उपस्थित हुई हैं। तो आज के इस अवसर पर आप सब किसान से लेकर के सब लोग यहां पर जो मौजूद हैं, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं और खूब तेजी से, और सरकार के जितने अधिकारी हैं कर्मचारी हैं जो सब इस काम में लगे हैं, मैं आप सब से यही उम्मीद करता हूं कि मिलजुल करके बहुत तेजी से करिए और चौथे कृषि रोड मैप में इतना फायदा पूरे बिहार का हो जाए कि बड़ी खुशी की बात होगी, सबकी आमदनी बढ़ेगी, न सिर्फ उत्पादन बढ़ेगा बल्कि उत्पादन होता है उत्पादकता होगी और हर प्रकार से लोगों को इसका लाभ होगा और इस तरह से राज्य को फायदा होगा, यही हम चाहते हैं। और आप जानते हैं ना 75-76% लोग इसी से रिलेटेड रहे, तो अब एक एक चीज का काम बढ़िया हो जाएगा तो कितना अच्छा होगा, तो यही हमारा आग्रह है। तो सब लोग मिल करके चलिए और आज महामहिम राष्ट्रपति जी पधारी हुई है, वो भी तो करेंगे ही, ये सब बोलेंगे और राज्यपाल महोदय भी बोलेंगे, तो इन लोगों की बात को सुनना है, इसलिए हमको समय नहीं लेना है। पता नहीं हमको तो क्या 7-8 मिनट था, कुछ ज्यादा तो नहीं समय ले लिए है, तो मैं क्षमा लेता हूं आप सब। प्रणाम। यशस्वी।